नमस्कार बच्चों, कक्षा प्रथम के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम तीसरा अध्याय हिंदी पाठ्यपुस्तक रोली का तीसरा अध्याय ई की मात्रा, छोटा ई से इमली की मात्रा के शब्द सीखेंगे और उसकी पाठ पढ़ेंगे। ई की मात्रा, जब ई की मात्रा किसी शब्द पर लग जाती है तो उसके साथ में ई बोला जाता है। जैसे है के ऊपर ई की मात्रा लगने से हिरण शब्द बन गया, चैस के ऊपर ई की मात्रा लगी तो ची, और डे पे ई की मात्रा लगी डी या चिड़िया। इस तरह के काफ़ी शब्द आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। दो अक्षर के शब्द हैं दिन गिन सिर बिल, तीन अक्षर के शब्द गिटार सितार सियार शिकार, चार अक्षर के शब्द साइकिल नारियल किशमिश रिमझिम। इस तरह के शब्दों को आप दोहरान करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पेज नंबर 21 पर डलिया भरकर नारियल, ये पाठ का शीर्षक है, डलिया भरकर नारियल हम पढ़ेंगे इसको। कविता इधर आ, साइकिल मत पकड़, साइकिल इधर रख। कविता एक बच्ची है जो कि साइकिल, आप जिस तरह से पिक्चर में देख रहे हैं पुस्तक में उसी तरह देखिएगा कि कविता अपनी माता के साथ जा रही है और साइकिल उसके साथ है। कविता इधर आ, माता कहती है कविता इधर आ, चिड़िया मत पकड़, कविता का मन है चिड़िया को पकड़ने का। साइकिल इधर रख, डलिया उठा, नारियल उठाकर रख, डलिया भरकर नारियल रख। इसमें लाल अक्षरों में जो भी मात्राएं दी गई है वो सभी छोटा ई से इमली की मात्राएं हैं, उनको आप ध्यान से देखें और उसका अभ्यास करें। नारियल गिर गया, क्या गिर गया, नारियल गिर गया। हिरण आ गया, हिरण मत पकड़। बादल घिर आया, बादल जब बहुत ज़्यादा आसमान में बादल छा जाते हैं तो उसे बादल घिर आने कहते हैं। साइकिल पर घर चल, घर चलकर नारियल चख, ये माता का आदेश है। और कविता इस अध्याय में एक बालिका का नाम है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसे आप इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। अब हम इन चित्रों को इसके अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। इन अभ्यास प्रश्नों को मैंने बोर्ड पर किया हुआ है, उनको आप देखिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने अभ्यास प्रश्न लिखे हैं। कविता ने क्या उठाया, कविता ने नारियल उठाया। साइकिल से क्या गिरा, साइकिल से दलिया गिरी। दलिया किस पर रखी थी, दलिया साइकिल पर रखी थी। इस प्रश्नों के अभ्यास प्रश्न आप लोग करेंगे और पुस्तक में देखिए ई की मात्रा से जो सही चित्रों को जोड़े हैं वो उसको मिलान करना है और चित्र के नाम से उसको मिलान करना है। यहाँ पर ई की मात्रा लगा करके शब्द बनाने हैं, वो मैंने जिस प्रकार बनाए हैं आप भी अपने उत्तर पुस्तिका में बनाइए। धन्यवाद।